गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो जो भी कैंडिडेट हुआ प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, आई रिक्वेस्ट देम टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो द थिंग इज दैट द डेट्स ऑफ द गेट एग्जाम हैज ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड एंड द एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 4th of February एंड इट रन्स टिल 13th of February। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो 13th of February को है। एक एग्ज़ाम फर्स्ट हाफ में है एंड दूसरी पाली का जो एग्ज़ाम होगा या जो कैंडिडेट उस पाली में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम आफ्टरनून में होगा, ठीक है। सो अगर आज की डेट से देखा जाए या मोर और लेस 20 to 30 days एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज द कैंडिडेट डू प्रिपेयर एंड दे डू स्टडी होल ऑफ ईयर और सम ऑफ द कैंडिडेट आर प्रिपेयरिंग सिंस 2 years और 3 years। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द नर्व्स इन द लास्ट 20 to 25 days बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And looking in today's scenario that winter is there, COVID is there, you know, the things are not favorable. So the first thing you need to take care is yourself. You need, and most important thing is you need to take care of yourself, because if you are well, then everything will go well, right? So as I talked that only 20 to 25 days or maximum 30 days are left. So is 30 दिन में क्या प्रिपेरेशन होनी चाहिए या क्या स्टेप वी नीड टू फॉलो एंड इन विच सीक्वेंस दोज स्टेप नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट ऑल थिंग वी आर गोना टू डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। सो आखिरी के एक महीने में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए या क्या प्लान होना चाहिए, क्या आप उनको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, सो उस चीज़ के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सो इट डिपेंड अपॉन बेसिकली आप कब से तैयारी कर रहे हैं। ए कैंडिडेट हु इज़ प्रिपेयरिंग सिंस 1 year, हु इज़ अ ड्रॉपर हु इज़ प्रिपेयरिंग सिंस 1 year, 2 year और मोर देन दैट, या ए कैंडिडेट हु इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 8 months और 10 months, बिकॉज आई डू कंसिडर दैट 8 to 10 months आर सफिशियंट टू गेट सेलेक्टेड थ्रू द गेट एग्जाम, यू नो, टू गेट ए गुड रैंक इन द गेट एग्जाम रदर यू कैन से। बट कुछ कैंडिडेट होते हैं हु जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, राइट, इन 2 months back और 3 months back। सो देर इज़ द डिफरेंस टू द अप्रोच एंड देर शुड बी अ डिफरेंस इन द टारगेटिंग वैल्यू इन बोथ द केसेस। अगर आप 8 महीने या 10 महीने या उससे ज़्यादा से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 1 महीने में क्या करना चाहिए, राइट, पहले इस पर बात कर लेते हैं। या आपको क्या टारगेट करना चाहिए, ऑफकोर्स आपको एक गुड रैंक टारगेट करना चाहिए, आपको एक PSU टारगेट करना चाहिए, आपको एक महारत्ना PSU टारगेट करना चाहिए। और आपका एम अगर IIT टॉप की IIT में MTech करना है और PhD करना है तो आपको वो टारगेट करना चाहिए। यू आर कैपेबल एंड यू हैव प्रिपेयर्ड सिंस ए गुड टाइम एंड आई बिलीव दैट यू हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ए कैंडिडेट नीड टू डू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अपना आखिरी वीडियो में बताया था कि आपको इंडियन ऑथर की बुक से न्यूमेरिकल कर लेने हैं, आपने किए होंगे। आप अगर आप 8 महीने या 10 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे 4 से 5 बार अगर आप पिछले 8-10 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और आपने टेस्ट सीरीज भी कुछ टेस्ट सीरीज आई बिलीव दैट यू हैव गॉन थ्रू, राइट। सो अगर आपने इतना कर लिया है तो बिलीव मी दैट यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। नाउ अब अगले 1 महीने में आपको क्या करना है उस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगले 1 महीने में सबसे पहले आपको जो करना है वो है टेस्ट सीरीज। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ है अभी या अभी नहीं दिए हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज टेस्ट सीरीज इज समथिंग विच इज़ गोना टू क्रिएट द सेम एनवायरनमेंट विच यू विल फेस इन द एग्जाम, राइट। टेस्ट सीरीज में आप टारगेट करके चलिए कि आप 1 week में एटलीस्ट 2 full mock tests आप देते हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज एग्जाम में जो आने वाला है सब कुछ एक साथ आने वाला है। तो अभी आप मॉक टेस्ट को टारगेट कीजिए और 1 week में एटलीस्ट 2 mock tests दीजिए। इस हिसाब से आप अगले 20 दिन में या अगले 1 महीने में कम से कम आपको 4 से 6 tests मॉक देने हैं, राइट। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपने नहीं दिए हैं या आप कुछ बहुत ही कम टेस्ट सीरीज दिए हैं तो आपको उसको बढ़ाना है, आपको टेस्ट सीरीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है और उसका रियल टाइम इफेक्ट आपको गेट एग्जाम में दिखने वाला है। यू विल थैंक मी लेटर दैट ओके वी हैव गॉन थ्रू सो मच नंबर ऑफ द टेस्ट एंड द सेम रिजल्ट रिफ्लेक्टेड इन द गेट एग्जाम।
अब उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा है कि आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, बिकॉज देर इज़ अ वर्चुअल कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम एंड यू मस्ट हैव द गुड कमांड ऑन द कैलकुलेटर दैट हाउ टू यूज इट, हाउ टू डू द कैलकुलेशन इन अ फास्टेस्ट मैनर, हाउ टू सेव इन द मेमोरी, हाउ टू क्लियर द मेमोरी ऑफ द कैलकुलेटर। सो दीज आर द थिंग और दीज आर द फंक्शन दैट यू मस्ट नो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना वेल एंड गुड तरीके से आ चुका होगा। दूसरा चीज़ है आपको कैसे इंटरफेस को कैसे हैंडल करना है, कि आपको मार्क फॉर सेव करना है या सेव क्लियर करना है या सेव फॉर लेटर करना है, जो भी आपको करना है तो आपको उस चीज़ का भी एक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार एग्जाम में जाके वहाँ आप चेक कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, या आपने उस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया है ड्यूरिंग प्रैक्टिस और ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम में। सो इफ़ यू गो नंबर ऑफ द टेस्ट सीरीज बाई नाउ यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ टू फेस द इंटरफेस, ओके, एंड हाउ टू हैंडल दोज कमांड, राइट। सो आपको दूसरी चीज़ ये है कि आपको मार्क फॉर सेव और सेव और क्लियर करने का ऑप्शन जो होते हैं वो आपको गुड तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तीसरा बात करते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बिकॉज अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी है या बहुत ही कम टेस्ट सीरीज दी है या ओनली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दी हैं जो हाफ हाफ आर की होती हैं या 1 आवर की होती हैं, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि 3 घंटे का एग्जाम जो होता है उसमें टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर नंबर में नहीं दिए हैं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि 3 घंटे में मेरे को कितने दो दो नंबर के क्वेश्चन करने हैं, कितने एक एक नंबर के क्वेश्चन करने हैं, या कितना टाइम एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए बचा के रखना लास्ट में। सो इफ़ यू गो थ्रू द टेस्ट सीरीज बाई नाउ एंड इफ़ यू एनालाइज दैट हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग एंड हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू answer a question and at the end how much time is left to look after the mark question, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको क्या पेस रखनी है या एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, या उस टाइम में वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कितनी देर में दूसरे क्वेश्चन पे स्किप कर जाना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी अगर आप पहले से इसको प्रिपेयर करके जाते हैं, राइट। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस को ये चीज़ें और बढ़ा देती हैं। अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज के बाद एयरली गिविंग टेस्ट सीरीज डज नॉट सॉल्व योर पर्पज, राइट। अगर आपने 4 टेस्ट दे दिए, 5 टेस्ट दे दिए, 6 टेस्ट दे दिए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि पर्पज सॉल्व हो गया है अनटिल अनलेस आपने उसका रिविजन या आपने जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका लुक आफ्टर नहीं किया है। आपको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस चीज़ में गलत हुए हैं, बिकॉज गेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपका बिल्कुल भी पॉइंट इधर हो जाएगा या उधर जाएगा या स्टेप मार्किंग हो रही है, आपने थोड़ा सही किया है बात का गलत कर दिया तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर आपका -2+ भी है तो आपका 0 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यानी कि आपको अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू भी वाले क्वेश्चन में अगर आपने +0.5 लिखा है तो आपको 2 नंबर मिल सकता है, अगर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया है -0.5 कर दिया है तो आपको कोई मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। हालांकि मैग्नीट्यूड आपका सेम है बट नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है, पॉइंट में वैल्यू कितने पॉइंट तक लिखनी है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना है। और ये चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेंगी जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे, आपने 0.256 को 0.25 छोड़ दिया है, वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत होगा, तो उस चीज़ में आपको पता लगेगा कि हाँ 3 पॉइंट या दशमलव के 3 पॉइंट तक आपको प्रिसाइजली वैल्यू उसमें एंटर करनी है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू पता लगेंगी और जो आपके सही क्वेश्चन हैं उस वो गलत ना हो, एटलीस्ट जो आपने सही हैं जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन गलत ना हो, उस चीज़ में ये हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो रिवाइज करने हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर आपने अपने जो ओरिजिनल नोट्स हैं उसी में हाईलाइट किया हुआ है तो आपको हाईलाइट चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट वट एवर यू हैव स्टडीज इन लास्ट 1 ईयर, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ा था और अभी आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए उसकी वजह से आप भूल गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने वो चाहे 2 महीने या 3 महीने पहले उस चीज़ के लिए दिए हों, अगर आपको अभी वो चीज़ याद नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट,
ठीक है, बिकॉज वेन एवर वी प्रिपेयर वी गो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। सो बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ इन द वन मंथ और 25 डेज ऑल ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी ऑन योर टिप एट एनी डे। यू नो यू मस्ट बी कैपेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, राइट। तो इतना कैपेबल होने के लिए आपको जो शॉर्ट नोट्स है उसको बार 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 आपको रिवाइज करना है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। सेकेंड थिंग ये हो गया। थर्ड थिंग आता है कि कुछ नया टॉपिक लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेट नो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पिछले आप 1 साल से कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स भी आ गए हैं, आप टेस्ट सीरीज भी पिछले 2 महीने से दे रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर आपने कर ली है, तो आपको अगर लगता है कि हाँ ये टेस्ट सीरीज में नया टॉपिक ये मिला है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है तो आप उस चीज़ के लिए पढ़िए और उसके बाद में आपको वो हेल्पफुल रहेगा अल्टीमेटली। नाउ कम टू द फोर्थ थिंग ये है कि आपने ऑफकोर्स आई बिलीव दैट यू हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 to 4 times, बट अगर आपने उससे ज़्यादा किए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपने 3 बार भी सॉल्व कर लिए हैं तो एनफ है। उससे क्या होता है, 3 बार इसलिए क्योंकि आपने अगर 1 बार सोल्व किया, ओके यू गॉट टू नो यू हैव डन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, बट 2-3 बार करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि गेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, या किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर टेस्ट सीरीज में उस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो अननेसेसरी उस पर टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे। बेटर है यू स्किप दैट क्वेश्चन इन द टेस्ट सीरीज, राइट, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जाम में रेयर टू रेयर पूछा जाएगा, बिकॉज अगले 15 साल में या पिछले 15 साल में नहीं पूछा गया तो इट्स वेरी रेयर चांसेस दैट दे वॉन्ट आस्क अस टाइप ऑफ द वेरी डिफिकल्ट ऑफ द कन्वेंशनल क्वेश्चन इन द गेट एग्जाम, राइट। तो आपको पैरेलली एटलीस्ट 1 बार इस 1 महीने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साइड बाई साइड आपको सॉल्व करने हैं। सो ये बात हो चुकी है फॉर द कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग मोर देन 10 मंथ्स, बिकॉज उन्होंने टेस्ट सीरीज, उन्होंने प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन, इंडियन ऑथर के बुक एंड कोचिंग के नोट्स ऑलरेडी उस 10 महीने में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो उनको पॉलिश करना है चीज़ों को और अपने आप को रिमाइंड करना है और ऑल चीज़ों को अकोमोडेट करना है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ अपने माइंड में रखना है, वो इस 1 महीने में करना है। तो आप टेस्ट सीरीज अगर रेगुलर देते हो तो उससे आपका सारा चीज़ अपडेट रहेगा, सारा सर्कुलेट होता रहेगा, सारे सब्जेक्ट एट ए टाइम आपके सामने आते रहेंगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका एक अच्छा खासा टेस्टिंग भी हो जाएगा। सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी करते रहेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आते जा रहे हैं, तो उसमें भी एक फ्लो मेंटेन रहेगा और सारे सब्जेक्ट्स आपके टिप पर रहेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैंडिडेट हु जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2 मंथ बैक और 1 मंथ बैक और जस्ट गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। तो जो कैंडिडेट पिछले 1-2 महीने से जस्ट तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन है कि आप सब्जेक्ट चूज कीजिए, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट गो थ्रू द टेस्ट सीरीज रैंडमली बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल एंड यू हैव स्टडीड वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स, अल्टीमेटली यू आर गोना टू स्कोर वेरी लेस मार्क इन द टेस्ट सीरीज एंड द मोरल विल गो डाउन। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आपको 4 या 5 ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपको आते हैं, राइट, जिसमें आप फ्लुएंट हैं, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैं, और थोड़े सब्जेक्ट ऐसे भी लेने हैं उनमें जो हाई स्कोरिंग है, यानी कि जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको 4 और 5 सब्जेक्ट ऐसे चूज कर लेने हैं। इसके साथ साथ आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो इन जनरल है, जो आपको भी थोड़ा बहुत आता होगा, उसको प्रैक्टिस करना है। सो इस हिसाब से, यानी कि अगर आप 5 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको आते हैं, तो आप 1 महीने में एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट यू ट्राई टू प्रिपेयर। उन 5 सब्जेक्ट्स में अगर आप 4-4 या 5-5 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, ऑन एन एवरेज अगर आप 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो इफ़ यू स्कोर 5 मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट्स, सो यू रीच अप टू लाइक 25 मार्क्स, राइट। और अगर आप 15 नंबर का जो एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश है उसमें 10 नंबर भी लेके आते हैं, तो 25 एंड 35 यू हार्डली मैनेज टू क्वालिफाई,
राइट, बिकॉज आपका अराउंड 30 और 32 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में क्वालिफिकेशन होता है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपको इजीली याद हो जाए या आपका थोड़ा इंटरेस्ट हो ताकि आप उनको पढ़ लें। ठीक, और उसके साथ साथ आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान दें ताकि कम से कम 15 में से 10 मार्क्स वहाँ स्कोर हो जाएँ, इससे टोटल मार्क्स 35 पहुँच जाएंगे एंड यू विल हैव अ गुड चांस टू क्वालिफाई द गेट एग्जामिनेशन। So these were few tips and tricks that you need to follow in last 1 month, and you need to go through the test series, you need to go through the previous year question at once, and you have to go through your short notes regularly in a cyclic manner so that everything remembers in your mind, and at the end of the day when you go for the exam all subjects remain on your fingertips, right? So just I wish all the best and go and get a good rank. Thank you.